महाराष्ट्र के 7 जिलों के लिए मौसम विभाग ने बरसात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कई जगहों पर देर रात बारिश हो रही है। इसी बीच यवतमाल जिले के उमरखेड़ से डराने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां सुबह ड्राइवर की गलती से स्टेट ट्रांसपोर्ट की एक बस बाढ़ग्रस्त नदी में बह गई। उसमें सवार 4 यात्रियों की जान आफत में फंसी है। इस हादसे में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, साथ ही अन्य लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ऐसी जानकारी परिवहन विभाग नागपुर के विभाग नियंत्रक नीलेश बेलसरे द्वारा दी गई है। देखिए, नागपुर डिवीजन की एक घाट रोड आगार की गाड़ी थी जो आज सवेरे 5 बजे नांदेड़ से नागपुर के लिए निकली थी। वो गाड़ी अराउंड 7:30 बजे जब उमरखेड़ से आगे एक दहा गांव पुलिया करके है, वहाँ पे पुल के ऊपर पानी होने की वजह से चालक ने उस गाड़ी को पुल से निकालने की कोशिश की और उस समय वो बस का बैलेंस बिगड़ने के बाद में वो वहाँ पे जो पानी था उसमें एक 50 से 60 मीटर बह के कॉर्नर पे लग गई। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है अभी तक जो प्राप्त हुई है उस हिसाब से उस गाड़ी में 4 प्रवासी और हमारे चालक और वाहक ऐसे 6 लोग थे। फिलहाल 3 लोगों को रेस्क्यू कर चुके हैं, इसमें 2 पैसेंजर और दो पैसेंजर एकदम सुखरूप है और एक पैसेंजर की डेथ हुई है। अभी जो 3 लोग गाड़ी में अड़के हैं उनकी बचाव कार्य जो स्थानिक प्रशासन है, कलेक्टर ऑफिस यवतमाल, SDO और तहसीलदार और जो स्थानिक लोग हैं वो वहाँ पे मदद कार्य में जुटे हैं और कुछ समय में स्थिति पता चल पाएगी कि उनकी जो है परिस्थिति कैसे है।